पार्टनरशिप हमारे पास ये होता है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो अगला काम कर सकते हैं हम कि हम पार्टनरशिप करें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप कहने के लिए? एटलीस्ट 2 पर्सन, क्योंकि सिंगल पर्सन को तो हम पार्टनर नहीं बोल सकते, तो कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों पर्सन में से कोई भी पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। माइनर मींस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ 18 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड यानी कोई भी पर्सन ल्यूनेटिक इडियट नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल, ठीक है, या जो अपने डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा पर्सन जिसने कोई क्राइम किया हुआ है, जैसे कि कोई मर्डर किया हुआ है, जैसे कि बैंक करप्ट है, ऐसे पर्सन भी बिजनेसेस के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है कि यहाँ पे कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। 2 पर्सन अगर आपस में बिजनेस करने के लिए एग्री हो रहे हैं तो इसका मतलब जरूर उनके बीच में कुछ चीजें डिसाइड हुई है। आप रोड चलते आदमी से ये नहीं बोल सकते कि चलो बिजनेस करते हैं और बगैर कोई चीज आपस में एग्री हुए आप लोग बिजनेस करने में लग जाओ, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट ये जरूर कहता है कि आप एग्रीमेंट कैसा भी कर लो, आप चाहे तो ओरल एग्रीमेंट कर लो, आप चाहे तो रिटन एग्रीमेंट कर लो, मर्जी है आपकी। अगर आपके बीच में ट्रस्ट बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ट्रस्ट है कि आप बिल्कुल एक दूसरे के सगे हो, तो फिर आप ओरल एग्रीमेंट से भी गुजारा कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट इश्यू है तो कोशिश करना आप रिटन एग्रीमेंट को रखना, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट किस तरीके से काम करता है? एज एन एविडेंस काम करता है। इन केस आपको कहीं पे भी डाउट हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। थर्ड, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बिजनेस। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वो कभी भी विदाउट प्रॉफिट नहीं हो सकता, यानी कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। ये चैरिटी का काम नहीं होना चाहिए या फिर कोई और रिलेशनशिप का काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो लोग आपस में मिले और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चलो हम लोगों के लिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि आप कोई एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई एक बिजनेस कर रहे हो जहां से आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, अगला है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया था कि अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जरूर शेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कि लॉस में बियरेंस नहीं होती है उनकी, वो लॉस शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए कहता है कि पार्टनरशिप है तो उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल एजेंसी। कोई भी पर्सन, एजेंसी रिलेशन अमंग पार्टनर्स एक्ट ऑफ वन बाइंड्स ऑल। यानी अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तो कोई भी पर्सन अगर एक्ट करे, सपोज करो सी एक्ट करे, तो सी का एक्ट ए और बी को भी म्यूचुअली लायबल करता है। यानी अगर सी से कोई भी लॉस हो जाता है किसी थर्ड पर्सन से डील करते हुए बिजनेस के बिहाफ पे, तो इसका मतलब ये थर्ड पर्सन ए और बी से भी बोल सकता है कि वो उसे कंपनसेट करे। एक पर्सन का एक्ट सभी को बाइंड करता है। तो ये है हमारे पास फीचर्स एक पार्टनरशिप बिजनेस के। 5 फीचर्स है, आप ऐसे टिप्स पे याद रख सकते हो। दैट मिनिमम 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। दूसरा, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, वो कोई ना कोई बिजनेस करें, और ये बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता कि 2 लोगों ने मिलकर कहा कि तीसरे का मर्डर कर देंगे, ये बिजनेस नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई काम चैरिटी वैरिटी में कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी यानी कोई भी एक पर्सन अगर काम कर रहा है तो वो बाकी लोगों को भी बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। हम लोगों ने इसकी इन डेप्थ चर्चा कर चुके हैं पहले। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। दोस्तों,
अगर आप बैंकिंग बिजनेस में है तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम हमारे पास कितने होने चाहिए, मिनिमम हमारे पास होने चाहिए 2 पार्टनर्स, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अगर आप बैंकिंग बिजनेसेस के अंदर हो तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, और अगर आप अदर बिजनेसेस में हो तो हमारे पास ये 20 नहीं है, ये चेंज हो गया है, ये 50 है, ठीक है ना। अगर आप इसमें हो तो आपके पास 50 पार्टनर्स होने चाहिए, प्लीज चेंज कर लेना इसे, कि अगर आप अदर बिजनेसेस में हो तो आप 50 पार्टनर्स आपके हो सकते हैं। आकांक्षा कहती है, सर व्हाट इज बैंकिंग बिजनेस? सर बैंकिंग बिजनेस का मतलब होता है जो बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केस आप कोई बैंक ऑपरेट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना होगा, आप मैक्सिमम 10 लोगों की टीम बना के काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर बिजनेसेस में हो, बैंकिंग के अलावा बिजनेस कर रहे हो, तो आप 50 पार्टनर्स तक ले जा सकते हो, यानी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आप रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि जब भी 2 लोग आपस में म्यूचुअली एग्री होते हैं तो इनके बीच हमारे पास क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था। ओरली नॉट प्रेफरेबल, ओरली को हम प्रेफर नहीं करते। क्यों प्रेफर नहीं करते? क्योंकि ओरली की कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, ओरली को आप किसी एविडेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते कि भाई हमने आपस में ये बात डिस्कस की थी, एग्रीमेंट हुआ था, कैसे बताओगे, प्रूफ क्या है। लेकिन रिटर्न जो है वो हमेशा हमेशा प्रेफरेबल होता है कि भाई आप जो भी एग्रीमेंट करो वो रिटर्न में करवाओ, और रिटर्न एग्रीमेंट्स का ही नाम है पार्टनरशिप डील। रिटर्न एग्रीमेंट्स अमंग पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डील। तो पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, जो भी आपस में एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक नोटरी का पेज होता है, नोटरी का पेज जिसके ऊपर सारी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें एग्री हुई हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। अगला, इंपॉर्टेंट टू अवॉइड डील एंड डिस्प्यूट्स। बेसिकली डील नहीं है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, आपस में कल के दिन कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए जरूरी है कि आप पार्टनरशिप डीड रख लो। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, याद रखना इस बात को, पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी, इट इज टोटली ऑप्शनल कि आप ओरल रखना चाहते हो या रिटर्न रखना चाहते हो। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उसे रिटर्न में ही करो। अगर 2 लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा ट्रस्ट है उन दोनों के बीच में, तो वो चाहे तो ओरल भी रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है कि रिटर्न रखो, ठीक है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। इट हेल्प्स एज एन एविडेंस इन लॉ कोर्ट। अगर आप कल के दिन कोर्ट में जाते हो तो वो आप इसे अपने एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर दिखा सकते हो कि हमारी डीड में ये चीजें थी। इस डीड पे सब सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं कि हाँ जी हम लोगों ने ये चीजें की हैं। अगला, यहाँ पे स्टैंप लगी होती है, इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 के अकॉर्डिंग। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि ये नोटरी का ही पेज होता है जिस पे यहाँ पे एक नोट बना होता है और यहाँ पे स्टैंप लगी हुई होती है इंडियन नोटरी की, ठीक है। पढ़ते हैं इस डीड में क्या क्या लिखा होता है। तो इस डीड में सारी चीजें लिखी होती है। क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, कि सारे पार्टनर्स कौन है और उनके उनका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कितना कितना लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, जो भी उन लोगों ने पैसा लगाया है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, और ये है हमारी लास्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में, वो ये है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड में गलती से ये डिस्कशन होना रह गया है या ये डिस्कशन नहीं हुआ है कि इनका क्या होगा, तो फिर हम लोग किसको फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर डीड में सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुई है तो फिर क्या करोगे। अगर डीड साइलेंट है तो सैलरी और सैलरी भी नहीं दिया जाएगा कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसे समझ लो कि डिस्प्यूट की सिचुएशन है और डीड ओरल है या फिर डीड है ही नहीं। तो अगर डीड है ही नहीं तो फिर आप कोर्ट में जाओगे तो आपके रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें कोर्ट डिसीजन लेगा। तो वो बोलेगा कि अगर पार्टनर लड़ रहे हैं सैलरी को लेकर तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर वो लड़ रहे हैं कमीशन को लेके तो किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर वो लड़ रहे हैं कि भाई हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कोर्ट क्या कहेगा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो मैक्सिमम परमिसिबल 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट चाहे कुछ भी डिस्कस हुआ हो पहले डीड नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई इक्वल इक्वल आपको शेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें। चलो अब यहां तक की बातों के बाद आप लोग फटाफट मैसेज बॉक्स में आओ और बताओ कि क्या सारी चीजें क्लियर है क्योंकि इसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। चलो फटाफट जल्दी से कहीं पर डाउट है तो प्लीज मुझे वो भी बताओ। मयंक कहते हैं यस सर वेरी गुड। मयंक मधु कहते हैं सब क्लियर। सलोनी कहते हैं यस सर। वाओ मतलब वेरी गुड। भूमिका एंड आकांक्षा आई गेस आप लोग सो नहीं रहे हो। आकांक्षा ने भी कह दिया और भूमिका भी अभी कही थी। वेरी वेरी गुड। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले चलिए सलोनी कहती है नहीं सर डांस कर रहे हैं। अच्छा अब हम देख नहीं सकते ना ऑनलाइन क्लास में कैमरा ऑन कराना पड़ेगा। चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ये आप लोग को आंसर करना है अपने मैसेज बॉक्स में। चलिए भाई सारे अकाउंटेंट लोग रेडी हो जाएंगे अपने हथियारों के साथ ठीक है और इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। फटाफट रिजोल्यूशन दो मेरे दोस्तों। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। ओ माय गॉड इनके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म दे फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जैसे ही पार्टनरशिप का फर्स्ट ईयर एंड हुआ फर्स्ट ईयर के बाद ही डिस्प्यूट शुरू हो गए। बताओ कैसे पार्टनरशिप है। फर्स्ट ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। ए कहता है कि भाई देखो जितना भी हम लोगों ने पैसा लगाया है उसमें मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए अपने कैपिटल पे लेकिन बी और सी एग्री नहीं करते। मुझे आप लोगों से पूछना है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप एक सेकेंड रुक जाओ मैसेज करने से पहले रुक जाओ। आप लोग हो जज। आप लोग कौन हो जज हो कोर्ट के जज हो आप और आपको फॉलो करना है इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ठीक है। चलो दोस्तों जजमेंट देना शुरू करो। ए कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए बी और सी मना कर रहे हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आकांक्षा कहती है सर ए विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तनीषा कहती है किसी को नहीं मिलेगा। वाह तनीषा को बुखार है लेकिन तनीषा आ गई फॉर्म में कह रही है जजमेंट देनी है मैं दूंगी अभी दूंगी दो मिनट रुको आप। भूमिका कहती है नो सर नहीं दिया जाएगा। ओके व्हाट अबाउट अदर्स। मधु मधु कह रही है नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सलोनी एक सलोनी ही है जो कि कह रही है कि मिलेगा। वाह मयंक आपका आंसर नहीं आया। अच्छा मयंक का सबसे पहले आया था सॉरी सॉरी मैंने मयंक का आंसर देखा ही नहीं। ठीक है तो इसका सही जवाब है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को नहीं मिलेगा कोर्ट ने मना कर दिया। वेरी गुड दोस्तों अगला पार्ट। बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ
सैलरी, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। बी कहता है कि भाई हमें ना थोड़ी सैलरी भी मिलनी चाहिए क्योंकि हम फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें अब देखो, अब टांग करने के लिए कौन आ गया? अब टांग करने के लिए बाकी दोनों आ गए, ए और सी मना कर रहे हैं। कह रहे, अच्छा तुझे सैलरी चाहिए? नहीं, हम नहीं कहते कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए, फिर बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कनीषा आ गए फॉर्म में, कह रहे नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं। आकांक्षा भी कहते सर बिल्कुल नहीं। भूमिका कहते नहीं सर बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। मयंक ने भी मैसेज किया है शायद, और मयंक ने लिखा है नहीं मिलेगा। वेरी गुड। सलोनी ने भी कहा नहीं। वेरी गुड। सेकंड का आंसर भी है नो सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सी वॉन्ट्स दैट लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10%, एट द रेट 10% पर एनम, बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। भाई सी कहता है कि मैंने फर्म को लोन दिया है कुछ रुपए का, ठीक है, और मुझे उस पर फर्म जो है वो 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन दे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे। चलो रिप्लाई करो, मुझे रिप्लाई करो इसका सही आंसर। मयंक कहते हैं सर 6% मिलना चाहिए ना सर। हाँ तनीषा कहते हैं 6% मिलेगा। अरे वाह भाई, मुझे मजा आ रहा तनीषा का रिप्लाई देख के आज। क्या बोला सर? सी पार्ट का आंसर करना आकांक्षा, ही विल गेट ओनली 6% पर एनम सर। आकांक्षा कहते हैं यस सर मिलेगा, 10% मिलेगा। आकांक्षा क्या बात कर रहे हो, सच में 10% मिलेगा? आकांक्षा हाँ, क्योंकि डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ 6% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, चाहे डीड में लिखा हो या सॉरी, क्योंकि डीड तो साइलेंट है, केवल 6% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अगर डीड होती और 10% लिखा होता तो बात अलग है, लेकिन डीड है ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका आंसर करो, फिर हम लोग अगली चीज सीखना शुरू करेंगे। ए एंड बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बट सी डज नॉट एग्री। कहता है ए और बी कहते हैं कि भाई देखो हमने बहुत ज्यादा ज्यादा कैपिटल लगाई है, लेट्स से 10 लाख एंड 20 लाख, और सी ने लगाई है केवल और केवल 5 लाख। तो इस अकॉर्डिंग ए और बी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, इन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सी मना करता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बताओ क्या होगा, जज हो तुम सारे के सारे। तनीषा कहते हैं इक्वल शेयर सर। मयंक कहते हैं इक्वली डिवाइड होगा, नहीं चलेगी मनमानी, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। आकांक्षा कहती है, भूमिका कहते हैं यस सर मिलना चाहिए। रेशियो के अकॉर्डिंग भूमिका, भूमिका आज पागल हो गई है, भूमिका आज सारी जजमेंट उल्टी पुल्टी दे रही है। ऐसा जज हो तो चोर को बरी कर दे। अच्छा भूमिका कह रही सर इक्वल इक्वल चलेगा, सॉरी सॉरी मुझे लगा तुम ये कह रहे हो। कह रहे नहीं नहीं सर, जैसे कह रहे वैसे दे दो, ठीक है भूमिका माफी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने सारी जजमेंट दी है बिल्कुल सही ये, बट आप लोगों को बनना फ्यूचर में अभी अकाउंटेंट है, लॉ बाद में पढ़ना। अगला है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, फटाफट अपने कॉपी पेन उठा लो और लिखना शुरू करो। अब आज का टॉपिक ये है हमारा, आज का टॉपिक जिसे आपको लिखना है, पहले लिखेंगे और फिर सुनेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, इट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट इज always, sorry, interest is always a charge against profit। अगर आप लोगों ने 11th में कुछ भी नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें आप लोगों के लिए नई होंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तनिषा बच्चे आपकी मर्जी है, अगर आप कर सकते हो तो आप करना, अदरवाइज कोई वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं, आपको बाद में नोट सेंड हो जाएंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में।
इफ डीड इज साइलेंट अगर डीड साइलेंट है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा. इफ डीड इज देयर अगर डीड में कुछ मेंशन है, इफ डीड इज देयर तो अकॉर्डिंग टू डीड दिया जाएगा. ठीक है, व्हाट एवर रेट मेंशनड इन डीड. ठीक है, जो भी रेट डीड में दिया हुआ है वो. सलोनी कहते हैं सर सॉरी आई विल टेक माय क्लास टुमारो बिकॉज टुडे माय एनिवर्सरी. सॉरी सर, दैट्स टोटली ओके. नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं. चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे. तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री क्या पास की जाते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. टू पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट. बीइंग इंटरेस्ट इज गिवन टू पार्टनर. सेकेंड एंट्री, जो भी इंटरेस्ट लगा उसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन being interest on loan is charged from profit and loss account. Okay. आप लोग इसे लिखें और मैसेज बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों ने मयंक ने, मधु ने, दोनों ने कर लिया. वेरी वेरी गुड. ठीक है, तनीषा भैया आप सेंड कर देना. हाँ कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, मैं कर दूंगा. आकांक्षा डन, वेरी गुड. हाँ जी, और आई गेस भूमिका ने भी अब तक कर लिया होगा. ठीक है, तो आओ हम लोग फटाफट, हाँ फटाफट फटाफट डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने क्या लिखी है. समझो, सबसे पहली चीज तो ये कि किसने किसे लोन दिया हुआ है और कौन किसको क्या पे करेगा. ठीक है, तो ये है आपकी पार्टनरशिप फर्म. ये है आपकी पार्टनरशिप फर्म. इसमें किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, यानी इसने फर्म को लोन दिया है. वैसे नॉर्मली ये अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन कई बार हो सकता है कैपिटल कम पड़ जाए,
और कैपिटल कम पड़ जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां फर्म को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़े। अब ए बीइंग अ रिच पर्सन उसने फर्म को लोन दे दिया, तो फर्म की क्या ऑब्लिगेशन होती है कि फर्म इसको इंटरेस्ट पे करे। फर्म की क्या ऑब्लिगेशन होती है कि वो इसे इंटरेस्ट पे करे, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है, अगर डीड में कोई रेट लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, अदरवाइज 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो। अब बात आती है कि ये जो इंटरेस्ट चुकाया जाएगा ये ऑप्शनल होगा या फिर मैंडेटरी होगा। ऑप्शनल होगा या फिर मैंडेटरी होगा, क्योंकि ये पार्टनर ने लोन दिया है, ये मन मर्जी है फर्म की कि होगा प्रॉफिट तो दे देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, या फिर देना कंफर्म होगा। तो इसका सही जवाब है इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी, यानी एनी हाउ देना पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या फिर फर्म को लॉस ही हो रहा हो, फर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे खर्चे जो कि आउटसाइडर जैसे होते हैं कि आउटसाइडर को बिलोंग करते हैं, या फिर वो खर्चे जिसका आपको अमाउंट देना ही देना है, दे आर ऑलवेज नोन एज चार्जेस, दे आर ऑलवेज नोन एज चार्जेस। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑप्शनल नहीं है, एक चार्ज है, और चार्ज तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि सर चार्जेस कहाँ आते हैं। चार्जेस आते हैं हमारे पास हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चार्जेस कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद करो जब छोटे छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे कच्चे थे, तब तुम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, और वहां पे तुम लिखा करते थे, यहाँ पर लिख देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वहां पर लिख दिया करते थे रेंट, सैलरी, टेलीफोन बिल। अब ये खर्चे कौन से खर्चे हुआ करते थे, ये वो खर्चे होते थे जो कि आपको देने ही देने, भाई रेंट देना ही देना है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, सैलरी वर्करों को देनी ही देनी है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, टेलीफोन। बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एनी हाउ देना पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो आई होप आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। इट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू फर्म, इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अगला, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग और आगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। देखो अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो सब कुछ कहती है। आप लोग पहले क्या करते थे, रट लिया करते थे, आओ इनसे बात करना सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आओ बात करना सीखते हैं। ये क्या कहती है, कहती है पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और इस फर्म को इसकी चीजें चुकानी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको इसकी चीजें चुकानी है, तो क्या ये इसे लोन चुकाएगी इससे, हाँ या ना। ऑफ कोर्स हाँ, लोन भी चुकाएगी। और क्या इसे ये इंटरेस्ट चुकाएगी से, हाँ या ना, ऑफ कोर्स हाँ। ठीक है, तो जब जब पार्टनर को इंटरेस्ट पे होगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि फर्म के लिए उसकी जो लोन लायबिलिटी है, क्योंकि लोन उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट की वजह से लोन की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फर्म क्या करती है, जितना भी वो इंटरेस्ट चुका रही है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करती रहती है, बेसिकली उतनी उसकी लायबिलिटी बढ़ती रहती है। इसीलिए ये एंट्री हुई है हमारे पास जिसका, जो कहती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, यानी जितना भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ये उसका क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर वो कहाँ ट्रांसफर कर देती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, कि इतनी इसकी वजह से इतना हमारा जो उधार है वो बढ़ गया है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लास्ट बात,
जो भी खर्चा है वो अल्टीमेट कहीं से तो चार्ज किया जाएगा। जैसे कि कंपनी के पास ये अगर इंटरेस्ट चुकाना है, ये इंटरेस्ट चुकाना है तो कंपनी कहाँ से चुकाएगी? कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी और उस प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट चुकाएगी, से यस और नो, है ना? प्रॉफिट अर्न करके तभी तो इंटरेस्ट चुकाएगी। तो वो प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट माइनस करने की एंट्री क्या होती है? वो ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने खर्चा डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये चार्ज किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग। तो आई होप मैंने दोनों एंट्री क्या कहती है ये आपको बता दिया होगा। कि अब हमें डिस्कस करना है एक क्वेश्चन, ठीक है? आओ फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। ओके, दे हैड एडवांस द फर्म ₹30,000 एज लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी जो हैं उन्होंने फर्म को ₹30,000 दिए हैं, बट इन अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, और उनकी रेशियो जो है वो क्या है? 3:2। अगर हम 3:2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 3/5 एंड 2/5, ठीक है? 2/5, और वो भी दिए उन्होंने कितने? ₹30,000। तो इसका मतलब चेक करें, ए और बी ने कितना दिया है? ए और बी ने दिया है हमारे को, ए ने दिया है 18,000 और बी ने दिया है हमारे पास 12,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद लिखा हुआ है ये कब दिया है? ये दिया है 1st ऑफ अक्टूबर को, 1st ऑफ अक्टूबर 2018 को दिया है। ओके, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चलता है वो चलता है 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक, ठीक है? और इन्होंने कहीं किसी मिड डेट 1st ऑफ अक्टूबर को दिया है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ओ हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे डीड चुप चुप्पी साधे बैठे हुए, कह रही है हमें नहीं पता कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मेरा दिल कह रहा है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। पता नहीं सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है? आप लोग बताना। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग दैट फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन एवरी ईयर एट ऑन 31st ऑफ मार्च। सबसे पहले तनीषा कहती है, तनीषा बुखार में है लेकिन फॉर्म में है आज पूरे पूरे। कह रही है सर ऐसे थोड़ी होता है, दिल आपका दिल कह दे और आप 10% 12% थोड़ी दिन लग जाओगे। डीड साइलेंट है सर, 6% पर एनम से एक पैसा ज्यादा नहीं देने देंगे हम, 6% पर एनम से 1% ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, मान लिया तुमने बोला था। अच्छा जी, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट पे कर देंगे, ठीक है भाई? ठीक है, आकांक्षा कहते नहीं गलत है, बट सर जब 6 मंथ का है तो। हाँ, अब आकांक्षा आई, कह रही है सर 6% भी पूरे महीने का मत दे देना आप, सॉरी पूरे ईयर का मत दे देना। उसने पे किया है 1st ऑफ अक्टूबर को, 1st ऑफ अक्टूबर से 31st ऑफ मार्च तक ही फर्म ने पैसा यूज किया है, उसको केवल और केवल सर 6 मंथ का इंटरेस्ट पे होगा, सर केवल और केवल 6 मंथ का इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है चलो, तुम ये कह रहे हो तो ये भी मान लेते हैं, 6/12। अब खुश ये लो 6/12 भी कर दिया मैं। हाँ, आकांक्षा कहते हैं हाँ सर अब खुश, अब अच्छा सा लग रहा है, अब आप कर लो जो करना। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12। 540। वेरी वेरी गुड, थैंक यू मयंक, लेकिन आपको टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करने, क्योंकि हमारी ये क्लास ना रिकॉर्ड हो रही होती है, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स की वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है, और स्टूडेंट के वॉइस से काफ़ी पीछे नॉइज आती है, तो फिर क्लास का वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, ठीक है? हम आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप माइक के थ्रू वो करो, बट उसके लिए आपको पहले हैंड रेज का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, तब मैं आपको अलाउ करूंगा, ठीक है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मयंक ने जल्दी से करके भी दे दिया, मयंक कह रहा सर आप बहुत स्लो हो, देखो मैं करके देता हूँ फटाफट। ओके, 360। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्लो हूँ, मैंने ऐसे मजाक किया था। 540 एंड 360, ठीक है? ये है इंटरेस्ट जो कि पे होगा। दोस्तों ये कहाँ से पे होगा?
ये पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी कर देते हैं हम लोग, इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज लोन अकाउंट टू इज लोन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 540 एंड 540। इसी तरीके से बी का भी होगा इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट, कितना, 540 एंड 540। नरेशन अभी हम नहीं लिख रहे। उसके बाद इन दोनों की चार्जिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया है और अब उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि इंटरेस्ट दिया कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट में से दिया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन फीज लोन, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आता है, याद है 06, नहीं 00 एंड आई गेस 9, तो ये आ जाएगा 900। तो 900 यहाँ पर आ जाएगा, 540 एंड 360। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हैंड रेज का ऑप्शन यूज करो अगर आपको क्लियर है तो, हैंड रेज का ऑप्शन। सर इंटरेस्ट ऑन बी में 360 क्यों क्यों सर नहीं आएगा, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बी। मयंक अपना माइक ऑन करो एक बार, मुझे बताओ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन बी में 360 नहीं आएगा, 540 अच्छा 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 सॉरी सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। 360 360, थैंक यू। चलो मैंने नीचे फिगर सही लिखे, ऊपर गलत। ओके चलो, हैंड्स डाउन कर लो अपने, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास के लिए शायद, चलो ये रहा क्वेश्चन, तैयार हो जाओ। सबसे पहला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st of October 2018 एक्स एंड वाई गेव अ लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹21,000। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे फर्म को आग लग जाए फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इंटरेस्ट बैठता कितना है, एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स ने दिए हैं ₹80,000, वाई ने दिए हैं ₹40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन है सालिंग, अपने को पता है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर कितने मंथ के लिए दिया जाएगा, 6/12 क्योंकि 1st of October को दिया जा रहा है, 6/12। काटा पिटी शुरू करो, आंसर पता करो, 6 + 6 = 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 0 0 0 0 ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 240, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2400, 2400। नेक्स्ट 6 × 6 = 12, ठीक है, और 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 12, ये आ गया आपके पास 1200, वेरी गुड। तो ये आ गया टोटल हमारे पास, अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 3600 का इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, जिसमें एक्स को 2400 और वाई को 1200 पे करना है। अब पहला केस है हमारे पास
थैंक यू आकांक्षा, आपका आंसर सही है 1200। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो आपसे कहता है कि इफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड एंडेड अमाउंटेड ₹21,000। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो है हमारे पास 21,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 21,000। इसमें से हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना है, क्या हम चुका सकते हैं? बिल्कुल चुका सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ए सॉरी एक्स और वाई। तो एक्स एंड वाई, एक्स को मिलेगा 2400, वाई को मिलेगा 1200, इन टोटल इट इज 3600। जो बैलेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा? 21,000 माइनस 3600 17,000। सर पहले आप एक बार फॉर्मेट समझा सकते हो कि कौन कहाँ जाएगा? आकांक्षा बहुत सिंपल है, डेबिट साइड में केवल और केवल एक्सपेंडिचर्स जाते हैं और इधर की तरफ में हमारे पास इनकम आती है। ठीक है आकांक्षा, इधर की तरफ में इनकम आती है। हमारे पास क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं गिवन है तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें से जो भी खर्चे पे करने हैं वो हम डेबिट करते चले जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी आकांक्षा समझाया नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अभी आपको केवल और केवल ये करना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें एक तरफ प्रॉफिट लिख लेना है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर कोई भी चार्ज हो वो आपको पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं हम, कितना आ गया? 17,400 आ गया। दोस्तों 17,400 वो प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा इन वॉट रेशियो, इन वॉट रेशियो क्वेश्चन कहता है 2:3। तो ये जो प्रॉफिट है ये डिवाइड होगा हमारे पास 2:3 में, तो 17,400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इन 2:3 जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास? लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, जरा फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 17,400 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 3 15, 5 4 20, 5 8 0, 0 8 16, 4 8 and 3 6। ठीक है, तो ये आएगा 6860 एंड दूसरे का आ जाएगा मल्टीप्लाई अगर हम 3 करें तो आ जाएगा 0 8 3 24 4 3 12 12 13 14, this is 9 1, ये आ जाएगा हमारे पास 10,440 एंड 6,860 रुपीज। ये एक्स का शेयर होगा या वाई का शेयर होगा? अगर आप लोगों को क्लियर है तो फटाफट एक बार मैसेज बॉक्स में, मयंक कहते हैं 6960 आएगा, 6960 आएगा। ओके, मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो अगर ऐसा कुछ है तो बता दो। 6960, ओके थैंक यू 6960 ठीक है, आई गेस 10,440 तो करेक्ट होगा। आकांक्षा पूछती है कि 17,400 कहाँ से आया? आकांक्षा हम लोग अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ का टोटल करते हैं 21,000, 21,000 में से 3600 माइनस करोगे तो आपके पास ये जो आएगा ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है आकांक्षा।
बोलो दोस्तों। अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। प्लीज फटाफट मैसेज बॉक्स में लिख के भेजो नोटेड। अगर नोटेड है तो नोट कर लो। वेरी गुड। आकांक्षा 1500 आर सॉरी आगे समझ। ठीक है ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ रुकवाना हो या पॉज करके नोट करवाना हो प्लीज मुझे बता देना। अगला है हमारे पास, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड रुपीज 3000। ओहो, अब हमारे पास प्रॉफिट कम हो गया। आओ फटाफट फटाफट अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ये है हमारा कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वही है हमारे पास जीसीपीटी चीजें, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले है। अब की बारे 3000, और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का था 2400, वाई का था हमारे पास 1200। इन टोटल इट विल बिकम 3600। इन टोटल इट विल बिकम 3600। ओ माय गॉड, 3000 का प्रॉफिट अवेलेबल है और 3600 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। क्या होगा? कुछ नहीं, फर्म को लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स बियर करेंगे और लॉस आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3600, यहाँ पे 600 रुपीज का लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट पे करने की वजह से। और ये लॉस एक्स और वाई बियर करेंगे इन व्हाट रेशियो, इन 2:3। 600 को अगर 2:3 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 240 एंड 360। चैट बॉक्स में आओ और मुझे बताओ डन एंड नोटेड। डन का मतलब समझ में आ गया, नोटेड का मतलब क्लियर है आप लोग को, आपने सब चीजें लिख भी लिए। मयंक ने कहा डन एंड नोटेड। मधु ने हैंड रेज किया है। मधु कुछ पूछना है आपको? मधु ने डन एंड नोटेड लिख दिया। ठीक है मधु, कुछ पूछना है आपको? नहीं, अच्छा ठीक है। अपना हैंड आपने रेज कर रखा है ना, इसलिए हैंड हैंड साउंड कर लो। व्हाट अबाउट भूमिका एंड आकांक्षा, वेर आर दे? आप लोगों ने कर लिया क्या भूमिका एंड आकांक्षा? डन एंड नोटेड, वेरी गुड। आई होप बाकी ने भी कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है सर? आपकी आकांक्षा को आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो कभी कभी थोड़े मोड़े ग्लिच हो जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। उनसे बोल देना कि वैसे भी क्लास एंड हो चुकी है, एंड हो रही है अब तो। बाकी ये जो दो केसेस हैं ये आप लोग के लिए है होमवर्क। ये दो केसेस जो है ये आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आप होमवर्क में करके आओगे। आई होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय की होगी। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हमें क्या करना है? उसके अंदर हमें करना है
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ भी चीज़ तो वो लास्ट मैसेज करो, ठीक है। अगर सब चीज़ें क्लियर हैं तो आप लिख दो ऑल क्लियर, फिर हम लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे। हम कहते हैं ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड भैया। नोट सेंड कर देना, मैं बता दूंगा तनिषा आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। लास्ट का आंसर रिपीट कर दीजिए एक बार, आकांक्षा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए केवल, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3000 रुपीज, 3000 रुपीज का प्रॉफिट है, वो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 का आकांक्षा। तो दिक्कत क्या है हमारे पास कि प्रॉफिट अवेलेबल 3000 है और इंटरेस्ट जो चुकाना है वो हमें प्रॉफिट से भी ज्यादा चुकाना है। तो इसका मतलब हम लोग 3000 रुपये के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट चुका देंगे, प्लस 600 रुपये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसे टोटल करेंगे तो पता चलेगा हमारे को कि 3600 के एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट जो अवेलेबल है केवल 3000 रुपीज़ का है, तो 600 रुपीज़ का लॉस हो गया। ये लॉस कौन बियर करेगा, ये लॉस बियर करेंगे एक्स और वाई, कितना, 240 एंड 360 रुपीज़, कैसे, into ratio 3। ये है मेरा लास्ट पॉइंट। होमवर्क है आपका केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो बस आज की क्लास बस यहीं तक थी, ठीक है। गुड बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।